भारत को सोने की चिड़िया ही कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। महात्मा गांधी का आजादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आपको पता है हमारा देश कब आजाद हुआ था? कब आजाद हुआ था? यस यस, जी, गांधी 15 अगस्त आजाद 1947 हमारा देश जो था वो आजाद हुआ था। तो इसमें थे। महात्मा गांधी का आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब इसमें इस कविता में आज हम पढ़ेंगे अपने भारत देश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फूलों सा सुंदर है देश एक्सक्यूज हमारा। क्या होता है कि मैम, जो हमारा भारत देश है वो फूलों से हमारी भी सुंदर है। ठीक है, आशनाएं सुहानी, म्यूट योर सेल जरूरत बेटा, म्यूट रखेंगे सब लोग भी अपने आप एक्सक्यूज को। कोई जी मैम, मेरी क्लास अभी अभी ज्वाइन हुई, आप क्या करवा रहे हो? बच्चे, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? पेज नंबर 93, भारत देश हमारा कविता। ओके कल हमने इसमें नए छुए थे तो आज हम कविता हैं। फूलों सा देश, फूलों सा सुंदर है देश हमारा। क्या बोला गया है कि जो हमारा भारत देश है वो क्या है? फूलों सुंदर है। अब आपको पता है कितने सुंदर होते हैं, तो फूल अच्छे लगते हैं ना। तो भारत देश यस की जो तुलना है वो किससे स्क्रीन से। की गई है? फूल से की गई है कि फूलों सा सुंदर देश हमारा। हमारा देश मैम भारत जो है ये नहीं वो फूलों की तरह सुंदर है। अग्नि सा पावन है देश हमारा। पावन का अर्थ होता है, कल पढ़ा था, क्या अर्थ होता है पावन का? दिखाई दे रही पवित्र। कि हमारा जो भारत देश है वो अग्नि की तरह पवित्र है। उत्तर में खड़ा हिमालय यहाँ, तो दक्षिण में फैले मैदान यहाँ। अब आपको पता है हमारी चार दिशाएं हैं, कौन कौन सी हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि उत्तर दिशा में यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है और दक्षिण में फैले मैदान यहाँ। और दक्षिण में क्या फैले हुए हैं? मैदान। मैदान मतलब प्लेन इलाका है। ठीक है, अगर उत्तर में हिमालय खड़ा है यहाँ और दक्षिण में फैले मैदान है यहाँ, दूध की नदियां बहती हैं यहाँ। अब दूध आपको पता है कैसा होता है? दूध कैसा? जी बेटा, बोलिए बेटा। बच्चे पेज नंबर 93 ओपन कीजिए अपनी डिस्कवरिंग बुक में। टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करो, और बीच में फिर क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे आपके बोलने से। दूध सी नदियां बहती हैं यहाँ। अब दूध, भारत में जो नदियां बहती है उसकी तुलना किससे की गई है? दूध से की गई है। अब आपको पता है दूध का रंग कैसा होता है? दूध सफेद होता है ना। तो जो भारत की नदियां हैं वो किसकी तरह बताई गई हैं? दूध की तरह बताई गई कि दूध की तरह बिल्कुल साफ नदियां यहाँ पे बहती हैं। दूध की नदियां बहती हैं यहाँ पे, जो नदियां बहती हैं वो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल पवित्र हैं। ठीक है, तो गांवों में फसल लहलाती है यहाँ, और यहाँ के गांव में क्या है? फसल लहराती है। ठीक है, ऐसा प्यारा भारत देश हमारा। कि हमारा भारत देश कितना प्यारा, देखो क्या बताया गया सबसे पहले, फूलों सा सुंदर है देश हमारा, अग्नि सा पावन है देश हमारा, उत्तर में खड़ा हिमालय यहाँ, तो दक्षिण में फैले मैदान यहाँ, दूध सी नदियां बहती हैं यहाँ, तो गांव में फसल लहलाती है यहाँ, ऐसा प्यारा भारत देश हमारा।
कि हमारा भारत देश जो है वो फूलों सा सुंदर है, फूलों से भारत देश की तुलना की गई है कि भारत देश जो है वो फूलों के समान सुंदर है, अग्नि से भी पवित्र, अग्नि सा, जैसे जिस तरह से अग्नि पवित्र होती है उसी तरह से हमारा जो भारत देश है वो भी पवित्र है। यहाँ के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत खड़ा है जो कि हमारी क्या है दुश्मनों से रक्षा करता है। तो दक्षिण में फैले मैदान, हाँ तो दक्षिण दिशा में मैदान फैले हुए जहाँ पर लोग जो है रहते हैं, ठीक है। दूध सी नदियां बहती हैं यहाँ, यहाँ पर दूध की तरह मतलब बिल्कुल सफेद साफ सुंदर नदियां जो है यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। और हमारे गांव में क्या है फसल जो है वो लहराती है। यहाँ पर लोग, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा फसल जो है वो गांव में लहराती है, किसान जो यहाँ पर फसल तैयार करते हैं। हमारा भारत देश जो है इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, फल फूलों की बहार है यहाँ, तो ऋतुओं की छटा है निराली। हाँ हमारे देश में अनेक तरह के फल फूल आपको पता है तैयार किए जाते हैं, यहाँ पे फल फूलों की बहार है, ठीक है। ऋतुओं की छटा है निराली, यहाँ पे आपको पता है अलग अलग तरह का मौसम होता है, 4 ऋतु है हमारे यहाँ पे, ठीक है। समय समय पर जो ऋतु है अपना रूप बदलती हैं, बड़े बच्चे सब मिलकर दौड़ लगाए यहाँ, तो पशु पक्षी भी चहचहाए हैं यहाँ। यहाँ पर क्या है सभी बड़े बूढ़े सभी मिलकर क्या है रहते हैं। यहाँ पर अनेक तरह के जो पशु पक्षी जो हैं वो पाए जाते हैं जो अपनी मधुर आवाज से सबको क्या है मोहित करते हैं। मेरा भारत देश कितना प्यारा है, ठीक है। भांति भांति के लोग हैं यहाँ, भांति भांति मतलब अलग अलग तरह के, ठीक है, तरह तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। भांति भांति की संस्कृतियां हैं यहाँ पर। आपको पता है हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, उन लोगों के अलग अलग पहनावे हैं, रीति रिवाज हैं। यहाँ पर भिन्नता होते हुए भी सभी लोग क्या हैं एक समान हैं, ठीक है। गांधी नेहरू से हैं लोग यहाँ, अब्दुल कलाम से ज्ञानी है यहाँ, कश्मीर सा स्वर्ग है यहाँ, तो कुर्ग दा स्विट्जरलैंड है यहाँ, ऐसा भारत प्यारा भारत देश हमारा। आपको पता है कि हमारे देश में महान लोग पैदा हुए हैं, जैसे गांधी जी नेहरू जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए, ठीक है, इतना ज्यादा संघर्ष किया था। यस, बीच में कौन बच्चा बोल रहा है, ये मैंने मना किया है ना आपको, सुनिए ध्यान से। कश्मीर सा स्वर्ग है, आपको पता है जो कश्मीर है उसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। इतनी सुंदर जगह है तो उसको क्या नाम दिया गया है कश्मीर को, स्वर्ग। कुर्ग सा स्विट्जरलैंड है यहाँ, अब कुर्ग जो जगह है जो वो उसको तुलना किससे की है, स्विट्जरलैंड से की गई है, कि भारत में भी स्विट्जरलैंड की तरह जगह है जहाँ है कुर्ग, ठीक है। यहाँ ऐसा प्यारा भारत देश है हमारा, कि हमारा भारत देश जो है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे भिन्न भिन्न लोगों होते हुए भी, अलग अलग संस्कृतियां होते हुए यहाँ पर क्या है एकता है, ठीक है, लोगों में प्यार है। नेक्स्ट है, मिलकर इसे सजाएंगे, विश्व में सबसे ऊपर ले जाएंगे। अब इसमें क्या बताया गया कि हम सभी क्या हैं आपस में मिलजुल कर रहेंगे विश्व मतलब संसार में, और संसार में इसका नाम जो है वो रोशन करेंगे, सबसे ऊपर इसे चमकाएंगे, हम सब एक एक रहेंगे, नारा सदा यही लगाएंगे कि हम सभी क्या हैं एक हैं, ठीक है। हम अलग अलग होते हुए भी हम सब क्या हैं एक हैं, यही नारा जो है हम सदा जो है वो लगाएंगे। तो इसमें एक बार फिर से जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है क्लास को, ठीक है, वो ध्यान से सुनेंगे कि इस कविता में भारत देश हमारा, ठीक है, हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत देश जो है वो कैसे
पवित्रता के बारे में, जो के बारे में इस कविता में कवि ने बताया है। फूलों सा सुंदर है देश हमारा, अग्नि सा पावन है देश हमारा, कि हमारा देश जो है वो फूलों से भी सुंदर है, ठीक है, और अग्नि की तरह हमारा देश जो है वो पवित्र है, ठीक है। उत्तर में खड़ा हिमालय, यहाँ यहाँ पर उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत खड़ा है, जो कि क्या है, हमारी दुश्मनों से रक्षा करता है। तो दक्षिण में फैले मैदान है, यहाँ दक्षिण दिशा में यहाँ पे क्या है, प्लेन इलाका है, मैदान फैले हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। दूर की नदियां बहती है, यहाँ यहाँ पर जो नदियां बहती है वो किसकी तरह है, दूध की तरह है, बिल्कुल सफेद, ठीक है। तो गांवों है, यहाँ हमारे भारत देश के गांव में क्या है, फसल जो है वो लहराती है, ठीक है, हिल है। भांति भांति के लोग हैं यहाँ, भांति भांति मतलब अलग अलग तरह तरह के, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे यहाँ भारत में। भांति भांति की है संस्कृतियां यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनके जो रीति रिवाज है, जो उनकी संस्कृति है, ठीक है, पहनावा है, वो अलग अलग है, फिर भी यहाँ पर क्या है, एकता है। गांधी नेहरू से लोग हैं यहाँ पे, हमारे भारत देश में गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने जन्म लिया है, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब्दुल कलाम से ज्ञानी है यहाँ, अब्दुल कलाम जैसे ज्ञानी लोग हमारे भारत देश की धरती में पैदा हुए हैं, ठीक है। कश्मीर का स्वर्ग है यहाँ, यहाँ पर क्या है, स्वर्ग जैसा कश्मीर जगह है, ठीक है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपने सुना है, कश्मीर स्वर्ग था, स्वर्ग जैसा कश्मीर है यहाँ पर, और स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड जैसा यहाँ पे स्वर्ग है, ठीक है, ऐसा भारत देश है हमारा। फल फूलों की बहार है यहाँ, यहाँ पर अनेक तरह के क्या है, फल फूल पाए जाते हैं, फल फूलों की बहार है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अनेक तरह के फल फूल जो है हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। तो ऋतुओं की छटा है निराली, यहाँ पे अलग अलग तरह का मौसम होता है, आपको पता है, ठीक है, सर्दी गर्मी वसंत ऋतु, ठीक है, तो ये सभी ऋतुएं के हैं, समय समय पर आती हैं, हर एक ऋतु का अपना महत्व है, ठीक है, यहाँ पर ऋतुओं की अलग ही छाप है, ठीक है। बड़े बूढ़े सब मिलकर डोल लगाए यहाँ पर क्या है, सभी मिलजुल कर, चाहे बड़े हैं बूढ़े हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर गाते हैं। तो पशु पक्षी भी चहचहाए हैं यहाँ पर, अनेक तरह के जो हैं पशु पक्षी जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी जो अपनी मधुर आवाज से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा सुंदर देश है मेरा, ठीक है, भारत, मिलकर इसे सजाएंगे। कि अब कभी ने क्या बोला कि हम सभी, ठीक है, लोग जो है वो इसको मिलकर सजाएंगे, इसकी जो धरोहर है इसको संभाल के रखेंगे, विश्व में सबसे ऊपर ले जाएंगे और संसार में इसका नाम जो है सबसे ऊपर चमकाएंगे, ठीक है। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, हम सब लोग क्या हैं, एक हैं, ठीक है, हम अलग अलग होते भी हम सभी क्या हैं, एक हैं, ठीक है, और हम क्या है, मिलजुल रहेंगे, ठीक है, हमेशा मिलजुल कर ही रहेंगे, और यही नारा जो है हम सदा लगाएंगे, ठीक है बच्चे, आगे समझ सभी को कविता ये। यस स्टूडेंट, यस मामा, मृतिका का, यस सभी बच्चों को कविता समझ आई। Yes, कविता में क्या है, हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत देश जो है, पहले आपको पता है कि भारत देश को क्या है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि भारत में हर एक चीज, ठीक है, सब कुछ पाया जाता था यहाँ पर। भारत मैम ऋतिका करे अब। यस रितिका, बच्चे रीडिंग आपने करनी है, ओके, रुकिए, वेट कीजिए, सभी की टर्न आएगी, ठीक है, वेट करना है आपने। सबसे पहले जिन बच्चों की पहली में टर्न नहीं आई है, रितिका आपकी टर्न आई थी ना पहले, सबसे पहले
यस मैम फेजल फेजल 2382 फेजल यस बच्चे आप ही करेंगे ओके मैम सभी बच्चे फिंगर रखेंगे ठीक है किसी की भी टर्न आ सकती है यह भी जाने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है महात्मा गांधी का आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था फूलों सा सुंदर है देश हमारा अग्नि सा पावन है देश हमारा उत्तर उत्तर में खड़ा हिमाचल यहाँ तो दक्षिण बच्चे हिमालय क्या वर्ड हिमालय हिमालय यहाँ यहाँ तो दक्षिण में फैले मैदान यहाँ दूध दूध सी नदियाँ बहती हैं यहाँ तो गांव में फसल लहलहाती यहाँ ऐसा प्यार भारत देश हमारा भांति भांति के लोग हैं यहाँ भांति भांति की हैं संस्कृतियां यहाँ गांधी नेहरू से लोग हैं यहाँ अवधूल कमलाश है ज्ञानी है अब्दुल यहाँ कलाम सुनो कश्मीर सेजल है बच्चे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम से ज्ञानी है यहाँ कश्मीर सा स्वर्ग है यहाँ तो पूरक सा स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड है यहाँ ऐसा प्यार भारत देश हमारा प्यारा ऐसा प्यारा भारत देश हमारा ओके वेरी गुड नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सुहानी टीक करे नो सुहानी वेट करेंगे बच्चे आप अपनी टर्न का वैष्णवी मक्कर यस मैम यस बच्चे नेक्स्ट पैराग्राफ आप करेंगे पर फूलों की बहार है यहाँ तो ऋतुओं की छटा है निराली यहाँ बड़े बच्चे सब मिलकर दौड़ लगाए यहाँ तो पशु पक्षी की यहाँ चहाए है यहाँ ऐसा प्यारा भारत देश हमारा मिलकर इसे सजाएंगे विश्व में सबसे ऊपर ले जाएंगे हम सब एक एक रहेंगे नारा सदा यही गाएंगे यह भी जान बच्चे गुड बेटा नेक्स्ट साथ अपने जो इसकी मैंने व्याख्या करवाई ना आपको ठीक है वो भी साथ में करनी है नेक्स्ट स्टूडेंट मनस्वी मनस्वी यस मैम यस बच्चे आप रीड कीजिए फूल फल फूल नहीं फूल बच्चे फूलों फल फूलों नहीं बच्चे फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो फूलों सा फूलों सा
बोलो, फूलों सा आगे। बोलिए। मे बी मनस्वी। नेक्स्ट स्टूडेंट निशिका। निशिका यस मैम। यस बच्चे आप रीड कीजिए। जाने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है था कहा जाता था कहा जाता था। महात्मा आगे गांधी का आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान सीट प्रॉपर। बच्चे बैठे कैसे हो आप? पहले सीट प्रॉपर ढंग से बैठिए। फूलों से यानी फूलों सा सुंदर सुंदर है देश हमारा अग्नि सा पावन है देश हमारा उत्तर में खिले हिमालय खड़ा यहाँ। हाँ यहाँ दक्षिण दक्षिण में अल्ले फूलों नौ बच्चे दस में फूलों एक बोलो निशिका। मैदान या यहाँ धूप सी नदियां बहती है यहाँ तो गांव में फसलें लहलाती यहाँ प्यारा भारत देश हमारा ओके निशिका। बच्चे आपने प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट शिविका को दो। यस मैम। शिविका नेक्स्ट पैराग्राफ आप बोलिए। रश्मिका बोलिए बच्चे। हाँ भारती भांति नहीं बच्चे, भांति ऊपर बिंदी भी है। भांति 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 के लोग हैं यहाँ पहले तो आप बैठो ढंग से। बैठे कैसे हो आप बच्चे? सिट प्रॉपर। कैसे बाजू रखे हैं आपने? सिट प्रॉपर ढंग से बैठिए। बुक को अपनी सामने रखिए। आप बोलिए।
भांति भांति के लोग हैं यहाँ। नेक्स्ट लाइन बोलिए। भांति भांति की है संस्कृतियां यहाँ। संस्कृतियां यहाँ। आगे बोलो। गांधी नेहरू से गांधी नेहरू ही यहाँ अब्दुल अब्दुल आगे कलाम कलाम से बोलो। शाबाश बच्चे, आपको रीडिंग नहीं आ रही शिबी का। अब्दुल कलाम से ज्ञानी है यहाँ। कश्मीर का स्वर्ग है यहाँ तो कुर्ग सा स्विट्जरलैंड है यहाँ। ऐसा प्यारा भारत देश हमारा। शिबिका बच्ची आपने प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की, ठीक है? नहीं आ रही आपको रीडिंग करने का, मैं आपकी टर्न दोबारा से लूंगी। निशिका एंड शिबिका, लग गया पता? यस मैम। प्रैक्टिस करनी है आपने रीडिंग की, डेली वन पेज रीड किया करो घर में। इतने इजी वर्ड आपको बोलने नहीं आ रहे हैं, जोड़ा करो ना खुद। मात्राएं दी हैं देखो, जो मन में जो लिए फिर बोल दिए। टिकट की बारी नहीं हुई थी, रिपीट कर ले। सान्या शर्मा, शान्या शर्मा, यस मैम। यस बच्चे आप कीजिए रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। फल फूल की बहार है यहाँ तो ऋतुओं की छटा है निराली यहाँ। बड़े बच्चे हैं सब मिलकर दौड़ लगाए यहाँ। पशु पक्षी भी चहचहाए यहाँ। ऐसा प्यारा भारत देश हमारा। मिलकर इसे सजाएंगे विश्व में सबसे ऊपर ले जाएंगे। हम सब एक एक रहेंगे। नारा सदा यही लगाएंगे। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्टूडेंट शिवांश मेहता। शिवांश मेहता। मैम रितिका करे, रितिका की बारी नहीं आई। रितिका नो बच्चे, मुझे पता है आपको रीडिंग आती है। रुकिए मुझे, जिनकी टर्न एक बार भी नहीं हुई उनकी टर्न लेने दो, ठीक है? पिछले 2 वीक्स में जिनकी टर्न नहीं हुई है, आपकी हुई है ना पहले? प्रियांशु, प्रियांशु 2319। यस मैम। आप रीड कर। यस प्रियांशु रीड कीजिए बच्चे। बोलो जल्दी। राही टिकटॉक पर क्या हो रहा बच्चे? यस प्रियांशु बोलो बच्चे स्टार्टिंग से। फल
फूलों की बार है। यहाँ तू तो बोलो बोलो जल्दी बोलो आगे बोलो बच्चे ऋतु ऋतु मृतों की छाई है डाली। रुको बच्चे देखो असल ऋतुओं की छटा है निराली यहाँ ऋतुओं की चराई है डाली यहाँ बड़े 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 यहाँ देखो बड़े 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 बच्चे बोलो बच्चों बच्चे बच्चे सब हाँ मिलकर 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 दो दो लगाए दो लगाए यहाँ तो हाँ बोलो बोलो तो मैं माइनक्राफ्ट टॉयलेट नो क्या चाना तो पशु पक्षी भी चहचहाए यहाँ हाँ हाँ सजाएंगे मिलकर इसे सजाएंगे मिलकर इसे विश्व सबसे 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 ऊपर हाँ ले जाएंगे